fish. Now we will write in our English notebook. First we write in capital letters book, page number 12, F for fish. पेज नंबर 13 अभी नहीं करना है, ओनली पेज नंबर 12 ही आपको कंप्लीट करना है. पेरेंट्स इस तरह से आपको फुल पेज पे डॉट्स करके देने हैं एंड स्टूडेंट्स आपको ट्रेसिंग करनी है. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश. रेड लाइन से लेकर सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन करेंगे. रेड लाइन पर फर्स्ट स्लीपिंग लाइन एंड फर्स्ट ब्लू लाइन पर सेकंड स्लीपिंग लाइन. एफ फॉर फिश. वी कैन राइट एफ फॉर फिश. अच्छे से ट्रेस करना है आपको बोल बोल कर. एफ फॉर फिश. पेज नंबर 12 कंप्लीट हो जाए देन हम लोग इंग्लिश की नोटबुक में लिखेंगे. पेरेंट्स आपको इस तरह से बुक रेडी करनी है. पेरेंट्स इस तरह से बुक रेडी करनी है आपको. एफ फॉर फिश क्लास वर्क. डेट आपको 22/6/21 यही डेट आपको लिखनी है. हेडिंग देनी ऊपर एंड फुल पेज पर आपको डॉट्स करके देने हैं क्लास वर्क में भी एंड होमवर्क में भी. मैंने सिर्फ वन लाइन में किया, आपको फुल पेज पर करने हैं. स्टूडेंट्स हाउ टू राइट एफ. एफ कैसे लिखेंगे हम? पहले हम क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. एफ फॉर फिश. रेड लाइन से लेकर सेकंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन. रेड लाइन पे फर्स्ट स्लीपिंग लाइन एंड फर्स्ट ब्लू पर सेकंड स्लीपिंग लाइन. एफ फॉर फिश. स्पीक एंड राइट एफ फॉर फिश. एफ फॉर फिश. बोल बोल के लिखना है स्टूडेंट्स आपको. फर्स्ट लाइन कंप्लीट करनी है, सेकंड लाइन स्टार्ट करनी है, सेकंड लाइन फिनिश हो उसके बाद थर्ड लाइन. इस तरह क्लास वर्क का पेज पहले कंप्लीट करना है एंड देन होमवर्क. Thank you.